चलो बना लो, ठीक है। यह उत्साह है पूर्वी चंपारण से लोकसभा प्रत्याशी रालोसपा के प्रत्याशी है आकाश कुमार सिंह। ये पहले मिठाई का ये बिल्कुल ये भी लाइव आना चाहिए। बिल्कुल ये मिठाई युवा पत्रकार है। और सीधे तौर पे सबसे तो पहले न्यूज फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप युवा उम्मीदवार बने हैं और 27 साल आपने अपनी उम्र बताई। क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे के साथ आप जाइए, क्योंकि आपके आपने कहा कि आपके पिता के जो अधूरे काम पड़े हैं उसे लेके जाइए। कोई काम अधूरा नहीं था मेरे पिताजी का, एक खाली चीनी मिल वाला काम अधूरा था। मेरे पिताजी ने वहाँ 3,000 किलोमीटर सड़क बनवाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्कूल खुलवाया, 4 ट्रेनें खुलवाई, बाकी जो छोटे मोटे काम होते तो कराए। एक चीनी मिल का काम रुका हुआ था, उसका भी ज़मीन वहाँ पे अक्वायर हो चुका था, एक प्राइवेट कंपनी ने अक्वायर की थी ज़मीन और वहाँ पे हम लोग चीनी मिल बनाएंगे। और मेरी तरफ से मुद्दा यही होगा डेवलपमेंट, मैं एक युवा हूँ, मॉडर्न आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मॉडर्निटी और डेवलपमेंट मेरा ही इशू है कि वहाँ का जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो सुधरे। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे स्टेट में बिहार में बहुत ख़राब है, स्कूल में भी और विश्वविद्यालय लेवल पर। जब आपके पिताजी मेरे पिताजी जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में बिहार में तो उस समय अच्छा था, है ना, और बिहार अच्छे अच्छे लोगों को प्रोड्यूस करता था। अभी जो अच्छे लोग प्रोड्यूस भी हो रहे हैं वो पढ़े लिखे होते हैं बाहर के, है ना। जैसे मैंने अपनी कुछ शिक्षा बिहार में की थी पटना, बाकी सब बाहर, और अब यहाँ पे वापस आए हैं सेवा करने के लिए। तो क्या है कि जो जब हमारे एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता है स्कूल और विश्वविद्यालय का, तो एक नहीं 2-3 जनरेशन ख़राब हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो मेरा फोकस रहेगा डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे। मोतिहारी में चीनी मिल बने, युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, औद्योगिकरण हो, जिससे आपके सामने जो जो कैंडिडेट है उनकी आपकी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनसे किस तरीके से लड़िएगा। अभी हमारे देश में 65% युवा हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की आबादी है देश में और बिहार में तो युवाओं की है। इसलिए मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। उनकी उम्र होगी, उम्र का हम युवा हैं, हमारी संस्कृति है युवाओं बड़े लोगों का सम्मान करना, वो सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन चुनाव वो हारेंगे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं खुश हुआ था जब वो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, मैं खुश हुआ था कि अब शायद कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं तो मोतिहारी के लिए कोई काम करेंगे, है ना, कि हम सब इसीलिए हैं कि बिहार के लिए काम हो, मोतिहारी के लिए काम हो। लेकिन काम नहीं हुआ। तो वहाँ के अगर आप वहाँ के जनमानस की बात है कि लोग चाहते थे कुछ काम हो और एक्सपेक्टेशन था कि अब मंत्री बने इतने पावरफुल कुछ करेंगे, तो कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बहुत आपके रालोसपा में शामिल होते ही सवाल खड़े होने लगे कि आप डायरेक्ट रालोसपा में आ गए हैं, जब लोकसभा चुनाव की जब दावेदारी और उम्मीदवार का चयन हुआ तब आपके नाम का घोषणा की जा रही है। डायरेक्ट नहीं आया, मैं 6 महीने पहले आया था पार्टी में। उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा जुड़ाव रहा है, जुड़ाव तो बचपन से ही रहा है लेकिन पार्टी में 6 महीने से जुड़ाव रहा है। अब क्या होता है कि बिना आप जब किसी पद पर पहले बैठे नहीं होते और एक छोटा कार्यकर्ता होते पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता, है ना, यही बात है। 6 महीने पहले की बात करें तो उस समय लगभग आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा NDA के साथ थे और आपके पिताजी UPA के साथ। मैं सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी को उसमें देखता हूँ, NDA को नहीं देखता मैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं। नहीं, जिस तरीके से आपके पिताजी कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा भी था मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी कि उनको मान सम्मान और इज्जत मिलने रहा था NDA में, तो वो छोड़ने वाले थे और फिर उन्होंने छोड़ा भी। अच्छा, अब आपके टिकट दावेदारी को लेकर कहा जा रहा था कि माधव आनंद का टिकट काट के आपको नहीं, उनकी सहमति से ही मुझे टिकट मिला है। वो चाहते थे कि आकाश लड़े चुनाव, तो वो पूरा वहाँ घूमे वगैरह, उनको समझ में आया कि पब्लिक में जन आकांक्षा है कि कोई अखिलेश जी के परिवार से आए। तो अंकल का मुझे फ़ोन आया था माधव जी का, उन्होंने कहा कि बेटा तुम लड़ो, तुम वहाँ जीतोगे, तुम्हारा एकदम मैं भी जीतूंगा लेकिन टक्कर की लड़ाई रहेगी, तुम जीतोगे तो पक्का जीतोगे। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, मैं लड़ता हूँ। तो बिल्कुल ये लड़ाई सीधे तौर पे अखिलेश सिंह के नाम पे होगी, रालोसपा के टिकट से भले ही आकाश को यहाँ से उम्मीदवारी मिली है, मजबूत इनके सामने लड़ाई होगी। कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण की जो लड़ाई है अब राधामोहन सिंह के खिलाफ आकाश सिंह लड़ेंगे जो कि रालोसपा के प्रत्याशी हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि 6 महीना पहले ही रालोसपा की सदस्यता इन्होंने ली थी। कल भी इसको लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन आज आकाश रालोसपा कार्यालय पहुँचे, मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वह कैसे पार्टी में जुड़े थे और किस विजन के साथ वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज फॉर नेशन, पटना।